हाय गाइस, वेलकम टू क्या भूत होते हैं। और आज मैं हाजिर हो गया हूँ एक नई ऑडियो बुक लेकर, जिसका नाम है यक्षिणी एक रहस्य। इस बुक को लिखा है प्रियदर्शनी त्रिपाठी, जिनका टाइटल है प्रिया। और मैंने प्रतिलिपि पे ये बुक पढ़ी और मुझे काफ़ी सही लगी। आप सबको शायद लग सकता हो इसका टाइटल देखकर, थंबनेल देखकर, कि ये अघोरानंद से मिलती जुलती है, पर ऐसा नहीं है। ये उससे काफ़ी डिफरेंट बुक है और काफ़ी एंटरटेनिंग भी है। मुझे पर्सनली ये काफ़ी अच्छी लगी, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि यार इसके ऊपर काम किया जाए। और रही यार वीडियोस में जो अभी तक डिले हो रहा था, उसका रीज़न मुझे कुछ लोअर बैक इश्यूज हो रहे थे, पेन के, जिसकी वजह से मैं बैठने में बड़ी परेशानी हो रही थी। तो आई वॉजेंट एबल टू सिट इन दिस अपराइट पोजिशन एंड वर्क, दैट्स वाई मैं बहुत मुश्किल से मैं बस रिकॉर्डिंग कर पाया था कुछ चीज़ों की। आई नो अभी काफ़ी कुछ पेंडिंग है, ड्रैकुला द अनडेड पेंडिंग है, यक्षिणी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ड्रैकुला द अनडेड जिनको सुननी है वो थोड़ा सा वेट कर लें, ऑलरेडी मैंने उसके 10-11 पार्ट्स प्रिपेयर कर लिए हैं और शायद वो 17-18 पार्ट्स तक जाएगी। तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन उसका कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज यार यहाँ पर बस वन मैन शो है, सारा कुछ मुझे ही करना होता है, तो कई बार होता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मैनेज करने में डिले हो जाता है। बट डोंट वरी, ड्रैकुला द अनडेड आएगी। और उसके बाद जिन जिन व्यूवर्स ने और ऑडियो बुक्स जैसे मिस शाइनिंग इनके बारे में बोला है, कुछ लोगों ने अघोरानंद की और कहानियों के बारे में बोला, वो सारी भी आ जाएंगी। बट फर्स्ट लेट मी कंप्लीट ड्रैकुला द अनडेड, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी बुक है, बहुत अच्छी खासी बड़ी है। 3 पार्ट्स आपने सुने हैं और 8 मेरे पास और पड़े हैं जो मैंने रेडी करके ट्रांसक्रिप्ट करके रख लिए हैं, और शायद मुझे भी 8 और करने पड़ेंगे, बिकॉज वो इस वजह से काफ़ी टाइम लग रहा है। बट एनी वेज, जो भी है हो जाएगा। और अब जो कुछ आपको चैनल में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, नया इंट्रो, नया आउट्रो, और जिन जिन को भी ये इंट्रो और आउट्रो अच्छा लगता है और जिन्हें अपने चैनल या अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी अच्छे एनिमेटर और एडिटर की तलाश है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो इंट्रो और आउट्रो है चैनल का, वो राकेश कुशवाहा ने बनाया है, और उनका ईमेल एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से अगर चाहें तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इज़ ए वेरी गुड एडिटर, और मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड उन्होंने काम किया और बहुत अच्छा इंट्रो आउट्रो बनाया। आप भी देखें, एंजॉय करें, और अब सीधा जो है स्टोरी पर चलते हैं। घोर तपस्या में लीन वो पूजा की एक एक विधि को पूर्ण करता जा रहा था। क्या कुछ नहीं किया था उसने सबके लिए। पूर्णमासी की रात आने का इंतजार करते करते उसकी एक एक घड़ी बीत रही थी। ये विधि करने के लिए पूर्णिमा के पूरे चांद का होना अति आवश्यक था। इसके लिए मंगवाई गई सारी किताबें छान मारी थी उसने। इंटरनेट पर जो भी मिला वो ज्ञान अपने दिमाग में उड़ेलता गया। अपनी उत्कृष्ट बुद्धि पर अभिमान हो गया था उसे। लगने लगा था कि मेरा जीनियस दिमाग कभी हार नहीं सकता। सब कुछ बराबर और एकदम सही करने की काबिलियत थी उसमें। पर ये सब पढ़ाई लिखाई या नौकरी पाने तक तो ठीक लगता है, किंतु तंत्र साधना के लिए नहीं। मां ने एक दिन पूछा, आजकल बहुत अनमने से रहते हो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? वो बोला, माँ एक रिसर्च में बिजी हूं बस, और कुछ नहीं। ये कहकर वो माँ के सामने से निकल गया। पर माँ तो माँ होती है। अपने बेटे के चेहरे के भावों को पढ़कर सुचित्रा समझ गई थी कि शायद कहीं कुछ ऐसा है जो बेटा छुपा रहा है। और चुपके चुपके बिना माँ को पता चले वो ऑनलाइन किताबें मंगवाने लगा। कैसे अलग और अनोखे विषयों पर आधारित वो किताबें, जो शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक ख्याति प्राप्त कॉलेज का इंजीनियर खुद ऑर्डर कर सकता था। खाना सबके साथ टेबल पर खाते हुए भी अपने लैपटॉप पर अंधाधुंध कुछ ना कुछ वो देखता रहता था। मिस्टर अग्रवाल का ध्यान खाने से ज्यादा लैपटॉप पर नजरें गड़ाए बेटे की ओर गया। वो पूछ बैठे, बरखुरदार इंटेलिजेंस तो आपकी काबिले तारीफ है, पर घर पर खाना खाते हुए टेबल मैनर्स भी भूल गए क्या?
वो बोला, कम ऑन डैड, जस्ट सर्चिंग समथिंग, दैट्स नॉर्मल। और लैपटॉप छोड़कर खाने पर ध्यान देने लगा कि कहीं उस पर किसी को शक ना हो जाए। खाने के तुरंत बाद लैपटॉप उठाकर वो कमरे में दौड़ा, जैसे अगर 2 मिनट भी बर्बाद हो गए तो किसी की जिंदगी खत्म ना हो जाए। इस फ्लैशबैक से हम वर्तमान में आते हैं। एक सुनसान पहाड़ी पर वो अकेला क्यों था? चंद्र पहाड़ी किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी, ये बात शहर में एक अफवाह की तरह फैली हुई थी। उसी चंद्र पहाड़ी पर वो अपने इस रहस्यमय पूजा या फिर कोई अजीब सी विशेष विधि करने के लिए सारे इंतजाम किए हुए जल्दबाजी में व्यस्त था। पढ़ाई में अव्वल दर्जे का होनहार स्टूडेंट इस तरह की तंत्र मंत्र विधियों में क्यों लिप्त था? जो गलती शायद उससे हो गई थी अनजाने में या जानबूझकर, उसके लिए ही यह प्राश्चित स्वरूप कार्य जो केवल चंद्र पहाड़ी पर पूर्ण हो सकता था, वो इसीलिए यहां बैठा था। हमारे शास्त्रों में उल्लेखित देव दानव यक्ष किन्नर गंधर्व डाकिनी पिशाचिनी भूत प्रेत आदि सत्यता से पूर्ण है, ऐसा तो शास्त्रज्ञ कहते हैं, किंतु उस जैसे एक विज्ञान के जीनियस को अचानक क्या जरूरत आन पड़ी थी कि उसने ऐसी प्रक्रिया में संलिप्त होकर खुद को और अपने परिवार को खतरे में डाल लिया था। और सबसे बड़ा खतरा तो समाज के युवा वर्ग पर मंडराने लगा था। उसके अंतर्मन ने उसे प्रायश्चित करने की सलाह दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी मौत निश्चित है, और उसके साथ साथ कई और मासूमों की भी। जब उसने इस यक्षिणी साधना को जाना, तब उसे लगा था कि वो सबसे अलौकिक और सिद्ध बन सकता है, पर वो गलत था। प्रकृति के बनाए कुछ नियम होते हैं, उनसे खिलवाड़ करके कोई मनुष्य आज तक जीवित नहीं बचा है। एक IIT पास आउट यदि यक्ष यक्षिणी की साधना करने लगे तो घोर आश्चर्य का विषय तो होगा ही, पर उस दिमाग के धनी लड़के को ये कहां पता था कि सृष्टि और ब्रह्मांड दिमाग और उत्कृष्ट बुद्धि से नहीं चलते। यहां तो बस सन्मार्ग और साफ मन से की गई कोशिश का ही अच्छा फल मिलता है। स्वर्ग नर्क सब इसी पृथ्वी पर है और इसी पृथ्वी के विभिन्न आयाम हैं। इन आयामों में ब्रह्मांड के अलग अलग प्रकार के जीव और योनियों के जीव वास करते हैं, उन्हीं में से एक है यक्षिणी। कहते हैं यक्षिणियां मुख्यतः 8 प्रकार की होती हैं और हर यक्षिणी की साधना में अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। उसे तो मनवांछित फल प्रदान करने वाली यक्षिणी की साधना करनी थी, तो कुछ इंटरनेट और किताबी ज्ञान लेकर उस साधना को करने का मन बना लिया। यक्षिणी और यक्ष धरती के सबसे पास के लोक में जिस प्रकार देव नाग गंधर्व है उसी प्रकार से वास करते हैं। वो हमारे आसपास के माहौल में उपस्थित होते हैं, पर अलग आयामों में, मतलब डायमेंशंस में। हम उन्हें देख नहीं सकते, किंतु वो यही हो सकते हैं। यक्ष यक्षिणी को सौंदर्य से प्रेम होता है, इनकी आभा दिव्य और रूप अलौकिक होता है। इनकी साधना से साधक को भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो सकता है, या अपार धन समृद्धि या फिर सुंदरता या कोई भी अभीष्ट फल प्राप्त किया जा सकता है। यक्षिणी साधना के समय यक्षिणी साधक के समक्ष एक सुंदर सौम्य रूप में प्रकट होती है। जिस रूप में व जिस भाव से साधक यक्षिणी की उपासना करते हैं, उसी रूप में यक्षिणी उसे दर्शन देती है। परंतु खतरा कहां नहीं होता, ये तंत्र मंत्र कोई आसान कार्य नहीं है। व्यक्ति विशेष को जीवन का खतरा हो सकता है या और भी कई तरह के नुकसान होने की आशंका रहती है, पर वो लड़का तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहता था। प्रकृति के नियमों से खेलने का गलत फैसला करके वो उस तंत्र जाल में बंध गया और उसे प्रायश्चित करने की मजबूरी आन पड़ी। इस बारे में उसके परिवार को बिल्कुल खबर नहीं थी। उन्हें पता ही नहीं था कि उनका बेटा जो इतना अद्वितीय बुद्धिमान है, वो इस तरह की साधना या तंत्र मंत्र में उलझकर स्वयं को खतरे में डाल रहा है।
उसने इस तंत्र साधना के बारे में केवल किताबी ज्ञान और इंटरनेट पर उपलब्ध आर्टिकल व लेखों से ही जानकारी इकट्ठा की थी। कोई गुरु या जानकार व्यक्ति यदि उसके पास होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। अभिमन्यु भी बेशक एक महान योद्धा था, परंतु उसने चक्रव्यूह को आधे अधूरे ज्ञान के साथ भेदने के लिए कदम रख दिया और यही उसकी अकाल मृत्यु का कारण बन गया। हमारा ये तेज दिमाग जीनियस भी नहीं जानता था कि यक्षिणी साधना के पश्चात यक्षिणी को उसके लोक में कैसे लौटाया जाए, और इसी से मुक्ति पाने के लिए वो कईयों का दोषी बन गया। ये विषय कुछ अलग है, अद्भुत है, परंतु यह आवश्यक है कि इसे सबके समक्ष लाया जाए। जाने अनजाने में वो इस गतिविधि में लिप्त हो गया था। शुरुआत में उसे यह सब एक अद्भुत और अलौकिक एहसास लगता था। अपने तेज दिमाग के साथ यदि शक्ति भी आ जाए तो व्यक्ति विध्वंसक बन बैठता है और खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। उसे यह भान ही नहीं रहता कि वो जो कुछ कर रहा है वो सही भी है या नहीं। इतिहास गवाह है कि जब भी शक्ति का दुरुपयोग हुआ है तब तब बस प्रलय आई है और विध्वंस मचा है। कर्नाटक का बेंगलोर। सुचित्रा अपने बेटे को झिड़कते हुए बोली, अर्जुन ब्रेकफास्ट खत्म करो, स्कूल जाना है तुम्हें ना? अर्जुन बोला, हाँ माँ, मुझे आज सारे प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट्स भी पता करनी है। अर्जुन अग्रवाल, सुधांशु अग्रवाल का बड़ा बेटा, अपनी क्लास का टॉपर, या यूं कहिए कि स्कूल टॉपर। सुधांशु अग्रवाल IBM नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर है। अर्जुन क्लास 12th में है, पर दिमाग इतना तेज कि अभी इंजीनियरिंग का प्रतिष्ठित एग्जाम दे दे तो उसे क्रैक कर दे। स्कूल से आने के बाद ग्रहों, तारों और खगोल पिंडों के अध्ययन करने का उसे शौक है। इस साल उसे IIT का एग्जाम भी देना है, बस 2 महीने बचे हैं, और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करना काफी मुश्किल है। ये समय बीतता गया और 2 महीने कैसे उड़ गए पता ही नहीं चला। अर्जुन JEE का मेंस एग्जाम देने के लिए सेंटर पर जाने को निकला ही था कि मां ने आवाज लगाई, अर्जुन ठहर बेटा। अर्जुन अचानक रुका और बोला, मां जल्दी कहो क्या बात है, मैं लेट हो जाऊंगा। सुचित्रा ने उसे एक कटोरी में लाया हुआ दही शक्कर खिलाया और ऑल द बेस्ट कहकर उसे विदा किया। अर्जुन सेंटर पहुंचकर सीट पर बैठा और मन में भगवान का नाम लिया। तभी बेल बजी और इन्विजिलेटर ने सबको पेपर्स दिए। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि वाह, ये पेपर कितना इजी है, आई कैन सॉल्व दिस कंप्लीटली इन एनी टाइम। ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं था जो वो सॉल्व ना कर सका हो। वो 1 घंटे में ही अपना पेपर खत्म करके बैठ गया। एग्जामिनर आई तो उसे आश्चर्य से देखने लगी। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारा पेपर हो गया है? अर्जुन मुस्कुरा कर बोला, यस मैम। एग्जामिनर सोचने लगी कि 3 घंटे के पेपर को कोई बच्चा 1 घंटे में कैसे खत्म कर सकता है। उन्होंने उसकी तलाशी ली कि कहीं अर्जुन के पास कोई ब्लूटूथ या फिर कोई चीटिंग मटेरियल तो नहीं। उन्हें नहीं पता था कि इसके पास तो इतना उत्कृष्ट दिमाग है कि इसे किसी चीटिंग मटेरियल की जरूरत ही नहीं है। जब उन्हें पूरा विश्वास हो गया तो वो अर्जुन को छोड़कर चली गई। अर्जुन बुद्धिमान होने के साथ साथ सभी खेलों में निपुण था। स्विमिंग कॉम्पिटिशन में भी वो फर्स्ट आ चुका था। उसके माँ बाप को उस पर गर्व था। जब JEE का रिजल्ट घोषित हुआ तो वो टॉप 10 में था। क्लास 12th के साथ वाले प्रयास में ही बिना किसी कोचिंग के अर्जुन ने ये सफलता अर्जित कर ली थी। इससे सभी लोग चौंक गए थे। उसे कई शहरों के ऑफर मिल रहे थे, पर उसका मन तो IIT खड़गपुर में जाने का था। IIT खड़गपुर में दाखिला करवाने गए उसके पिता ने उसे अच्छी तरह से रहने और गलत संगत में ना पढ़ने की सलाह दी थी। वैसे अर्जुन एक समझदार और सुलझा हुआ लड़का था, और उसके पिता मिस्टर अग्रवाल भी संतुष्ट थे कि वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। कॉलेज में अर्जुन हमेशा अपने काम से काम रखता था।
सीधे हॉस्टल से कॉलेज और कॉलेज से हॉस्टल, यही उसका नियम था। उसके वहां पर कई दोस्त बने, पर अंकित मेहरा और यश दीक्षित से उसकी दोस्ती एकदम प्रगाढ़ थी। तीनों साथ ही आते जाते थे और साथ ही बैठते भी थे। अंकित और यश भी होनहार स्टूडेंट थे। अंकित एक एक्सट्रोवर्ट लड़का था जिसे हंसी मजाक एडवेंचर आदि करने का बेहद शौक था। प्रोफेसर्स और छात्रों का मजाक बनाना और उनकी नकल उतारना उसे यह सब बड़ा अच्छा लगता था। पर यश और अर्जुन दोनों एक जैसे ही थे, पर फिर भी वो तीनों एक दूसरे के पूरक की तरह हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। यश थोड़ा शांत किस्म का था और कुछ रहस्यमय भी। वो कम बोलता था और अपने ही काम से काम रखता था। अच्छा खासा इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो हमेशा कोई ना कोई किताब पढ़ता रहता था। फालतू बैठना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अंकित को भूत प्रेतों और तंत्र मंत्र में खासी रुचि थी। वो इसी तरह की किताबें पढ़ता था। अर्जुन अपने खगोलीय जगत के विषयों पर आधारित किताबों को लाइब्रेरी में जाकर ढूंढता और पढ़ता था। इन तीनों की तिकड़ी बिल्कुल अलग थी, मगर इनके रिश्तों में मजबूती थी। कॉलेज कैंटीन में तीनों साथ खाते पीते और मस्ती मजाक करते थे, और सारे प्रोफेसर्स भी इन तीनों को अच्छी तरह से जानते थे कि ये जहां मिलेंगे साथ मिलेंगे। अर्जुन की तरह ही अंकित भी संपन्न परिवार से था, पर यश एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। वो बेकार के खर्च करने से बचता था। इतने प्रतिष्ठित कॉलेज में उसका एडमिशन केवल उसकी योग्यता के कारण ही हुआ था, और स्कॉलरशिप मिलने की वजह से उसकी पढ़ाई संबंधी सारी आर्थिक समस्याएं खत्म हो गई थीं। तीनों का कॉलेज बड़ा अच्छे से चल रहा था। यह उनका थर्ड ईयर था। एक दिन यश के पिता का फोन आया। उस फोन से यश काफी परेशान हो गया था। वो भागते दौड़ते अंकित और अर्जुन के पास पहुंचा, लेकिन वो उसे नहीं मिले। यश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अंकित का लैपटॉप उठाया और एक बैग में डालकर तेज कदमों से निकल गया। यश जल्दी जल्दी चला जा रहा था कि कहीं उसे कोई देख न ले। शाम का समय था और कॉलेज से शहर का रास्ता कुछ सुनसान था। सर्दियों के दिनों में शाम को ही रात का एहसास होने लगता है। यश के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जल्दबाजी में यश साइकिल से आने की बजाय पैदल ही निकल पड़ा था। आगे बढ़ते हुए उसे रास्ते में आने वाली झील के पास से धुआं उठता हुआ दिखा। उसके कदम झील की दिशा में बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य सम्मोहन उसे अपनी ओर खींच रहा हो। चलते चलते अचानक उसका पैर एक पत्थर से जा टकराया और वो हड़बड़ी में गिर पड़ा। जब वो उठा तो उसे होश आया कि वो कहां गया, और डरते डरते वो वापस रोड पर आ गया। वो शहर जल्दी पहुंचने के लिए लगभग भाग रहा था। वो 2-3 किलोमीटर का छोटा सा रास्ता कुछ रहस्यमय सा था। दिन के उजाले में वहां अच्छी चहल पहल रहती थी, पर शाम होते होते वहां एक अलग सन्नाटा छा जाता था। कोई कहता था कि यहां झील में कोई आत्मा रहती है। कोई कहता था कि यहां तांत्रिक आते हैं जो लोगों को अपनी तंत्र क्रियाओं से शिकार बनाते हैं। पर कुछ भी हो, वो झील थी तो रहस्यमय। आज तक कभी भी कॉलेज से आने जाने के दौरान अर्जुन, अंकित या यश उस झील के आसपास कभी फटके तक नहीं थे। शायद उनकी किस्मत में तब तक झील का कोई चैप्टर नहीं था। पर अचानक आज इस तरह यश का सम्मोहन शक्ति में बंद कर झील की ओर बढ़ना और फिर उस सम्मोहन का टूट जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं था। खैर, यश को तो इस सबसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा कि उसके साथ क्या हुआ। उसका ध्यान अभी भी शहर पहुंचने पर था और वो रोड पर चलकर एकदम शहर के पास आ गया था। वहां से उसे सारी दुकानें दिख रही थी। यश ने तुरंत ही एक कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप देखी और वहां पहुंचकर अंकित का लैपटॉप निकालकर दुकान वाले को दिखाया और उसे बेचकर रकम ली, और तेज कदमों से एक दूसरी दुकान जो नेट बैंकिंग से हाथों हाथ पैसे पहुंचाती थी वहां पहुंच गया। उसके हाथ में 20,000 रुपए थमाकर उन्हें एक अकाउंट नंबर में भेजने को कहा।
दुकान वाले ने तुरंत ही पैसे ट्रांसफर कर दिए। यश पुनः कॉलेज आने के लिए निकला। उसे रास्ते में एक ऑटो मिल गया जो सीधा कॉलेज के रास्ते पर ही जा रहा था। कॉलेज पर पहुंचकर उसने उसे कुछ पैसे दिए और जल्दी जल्दी हॉस्टल के अंदर चला गया। यश तेज कदमों से जल्दी जल्दी हॉस्टल में दाखिल होने लगा। उसे डर था कि कहीं उसे कोई देख ना ले। वो अभी कॉरिडोर में पहुंचा ही था कि पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई। यश हक्का बक्का होकर इधर उधर देखने लगा कि कौन है। तभी सामने से उसे अंकित आता हुआ दिखाई दिया। अंकित को देखकर यश के मन में एक घबराहट सी पैदा होने लगी, क्योंकि अंकित का लैपटॉप तो यश ने अभी अभी चुपके से बेच दिया था। उसे डर था कि अंकित को पता चलेगा तो क्या होगा, कितनी शर्मिंदगी और अपमान होगा कि अपने पक्के दोस्त के सामान को उसने चुराया और बेच दिया। अब अंकित यश के एकदम पास आ गया था और उसके हाथ में लैपटॉप देखकर उसका दिमाग घूम गया। अंकित के पास उसका अपना लैपटॉप था, वही लैपटॉप जिसे बेचकर अभी अभी यश हॉस्टल पहुंचा था। वो अपनी फटी हुई आंखों से एक टक लैपटॉप को देखता रहा। अंकित ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे झकझोरा, यश कहाँ खोया है? अबे पागल है क्या, कुछ बोल ना, तू ठीक है? और शाम से दिखा नहीं, कहाँ था तू? अंकित ने सवालों की झड़ी लगा दी थी। यश का तो सरदर्द हो गया था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अंकित को बस इतना कहा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वो कुछ देर आराम करना चाहता है। वो बाय कहकर अपने रूम की तरफ निकल गया। अंकित को यह सब बेहद अजीब लग रहा था। यश अपने रूम में पहुंचकर अंदर से गेट लगाकर एक फोन लगाता है। हेलो पापा, आपके अकाउंट में पैसे पहुंच गए ना? हाँ बेटा, थैंक यू, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। यश ने सोचा कि अंकित का लैपटॉप कैसे उसके पास हो सकता है जबकि पैसे तो पहुंच चुके हैं। दोपहर को उसके पिताजी का फोन आया था कि उन्हें कुछ पैसों की सख्त जरूरत है, पर उनके पास उसका कोई इंतजाम नहीं था। यश के पिताजी ने आखिर यश को पैसों की जरूरत वाली बात क्यों बताई थी, जबकि वो जानते थे कि यश तो खुद उनसे जेब खर्च के पैसे हर महीने लेता है। इधर रात बढ़ने लगी थी। अंकित लैपटॉप पर अपने कमरे में बैठा कुछ देख रहा था। अर्जुन भी पास ही कुछ सब्जेक्टिव टॉपिक्स पढ़ रहा था। यश को ये सब सोचते सोचते नींद आ गई थी। उसे नींद में एक सपना आया। यश धीरे धीरे एक सुनसान रास्ते पर चला जा रहा था। जाते जाते उसे रास्ते में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। धुएं में वो बस चला जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कह रही हो कि चलता जा, और यश बस सम्मोहन में उलझकर चला जा रहा था उसी धुएं की दिशा में। आगे बढ़ने पर वो घने पेड़ों की छाया में पहुंच चुका था। वो पेड़ों को पार करके आगे जाता है तो उसे एक सुंदर सी झील दिखाई दी। ये वही झील थी जो कॉलेज और शहर के रास्ते के बीच में दिखाई पड़ती थी। झील के किनारे एक आदमी काले कपड़े पहने हुए बैठा है। उसके सामने बहुत सारी पूजा सामग्री भी रखी हुई है, इत्र, चंदन, लोबान, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम आदि। एक हवन कुंड भी प्रज्वलित है जिसमें वो व्यक्ति आहुति दे रहा है। वो व्यक्ति दिखने में एक तांत्रिक जैसा प्रतीत हो रहा था। उसके गले में मालाएं थी, हाथों में रुद्राक्ष बने हुए थे और जटाएं बिल्कुल खुली हुई थी। सपने में यश पास में एक पेड़ की ओट में छिपा हुआ था। वो तांत्रिक को देख पा रहा था पर तांत्रिक उसे नहीं। तांत्रिक अपने ध्यान में चला जाता है और देखते ही देखते उस जगह एक धुएं का बादल सा आता है और एक खूबसूरत सी दिखने वाली सुनहरी साड़ी पहनी हुई स्त्री, जिसके लंबे घने काले बाल हैं, चंद्रमा जैसा अलौकिक चमकता चेहरा और दिव्य आंखें हैं, वो तांत्रिक के पास लगे आसन पर आकर बैठ जाती है। तांत्रिक ध्यान मुद्रा में लगा हुआ है और पास ही वो औरत बैठी हुई है। अचानक ही उस औरत का रूप बदल जाता है और वो काले से दांतों वाली और भयंकर कुरूप शक्ल सूरत में बदल जाती है।
उसके कपड़े और उसका स्वरूप इतने भयानक हो गए थे कि डर के मारे यश ने अपनी आंखें बंद कर ली। पर फिर भी तांत्रिक का ध्यान अपनी जगह पर लगा हुआ था। उसकी साधना भंग नहीं हुई थी। वो अपनी आंखों को बंद किए एकाग्रचित होकर बैठा था। तभी एक आवाज आई, मांगो। क्या मांगते हो? मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोल दी। यश ने भी उस मीठी आवाज को सुनकर जब आंखें खोली, तब फिर से वहां आसन पर वो सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। तांत्रिक ने उसे प्रणाम किया। उस औरत ने तांत्रिक से कहा, मैं यक्षिणी हूं। तुम्हारी साधना से मैं सिद्ध हुई। तुम्हारा अभीष्ट फल मांगो। क्या चाहते हो? तांत्रिक बोला, देवी, मैं आपको देखकर धन्य हुआ। मुझे सबसे शक्तिशाली और सिद्ध तांत्रिक बनना है, और कालदर्शी भी। यश सोचने लगा, इस औरत का नाम यक्षिणी है और तांत्रिक ने घोर साधना से इसे यहां बुलाया है। तभी यक्षिणी ने तथास्तु कहा और बोली, मैं तुम्हारे साथ हूं हर समय अदृश्य रूप में। ये कहकर वो विलुप्त हो गई। लेकिन तभी तांत्रिक की नजर यश पर पड़ गई। उसने यश को कुपित दृष्टि से देखा और अपना त्रिशूल उठाकर जैसे ही यश की ओर फेंका तो वो नींद में चिल्लाने लगा, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, प्लीज मुझे मत मारो। इसके साथ ही यश उठ बैठा। उसकी नींद और सपना दोनों टूट गए। तभी बगल के कमरे में पड़ रहे अर्जुन को उसकी आवाज सुनाई दी और वो तुरंत उठकर यश के कमरे की ओर दौड़ा। अर्जुन ने यश के कमरे का दरवाजा खटखटाया और यश ने तुरंत ही दरवाजा खोल भी दिया। वो पसीने से भीगा हुआ था। अर्जुन बोला, यश, आर यू फाइन? क्या हुआ यार? अर्जुन, अर्जुन यार, मुझे बहुत अजीब सपना आया था। कैसा सपना यश? यार अर्जुन, झील, तांत्रिक, पूजा और न जाने क्या क्या नाम था उसका, उस सुंदर सी लड़की का नाम, हाँ, यक्षिणी, यक्षिणी नाम था उसका। ये किस टाइप का सपना है यश? पागल हो गया है क्या? बड़ा हो जा मेरे भाई, तुझे सपने में लड़कियां भी देखने लगी, और अभी थर्ड ईयर में, बहुत सही। अर्जुन, तू समझ नहीं रहा यार, वो झील अपने कॉलेज से सिटी के बीच वाले रास्ते में पड़ती है, और आज शाम को मैं गलती से वहां पहुंच भी गया था। शाम को? मतलब यश, तू शाम को कहीं गया था, मुझे और अंकित को क्यों नहीं ले गया बे? अर्जुन की बात सुनकर यश थोड़ा सकपका गया। अब वो क्या कहता कि अंकित का लैपटॉप वो बेचने गया था? उसने तुरंत बात बदल दी, अर्जुन, वो मैं ऐसे ही टहलने निकल गया था यार, तू और अंकित दिखे नहीं तो मैं चला गया। खैर छोड़ दे यार ये सब, मैं पता नहीं मेरे को क्या सपने आने लगे हैं, चल तेरे रूम में चलते हैं, कुछ बुक्स दे देना यार मुझे। यश और अर्जुन वहां से निकल गए और अर्जुन के कमरे में जा पहुंचे। अंकित भी उनकी बातें सुनकर पास आ गया था। यश भले ही अपने पक्के दोस्तों के साथ था, मगर उसका मन उसी सपने पर लगा हुआ था। वो सोच रहा था कि क्या यक्षिणी ऐसी स्त्री है जो मनचाही चीज दे सकती है और किसी को दिखाई भी नहीं देती। अर्जुन ने यश को अनमना सा जानकर कहा, यक्षिणी? हाँ राइट यश, नाम तो यूनिक है लड़की का यार, पर है कौन और कहाँ की? इस कॉलेज में तो नहीं सुना मैंने। यश हेंप सा गया था। अंकित ने आंखें बड़ी करके पूछा, ये तुम दोनों का क्या चल रहा है यार, मुझे भी तो बताओ, और ये यक्षिणी कौन है? कोई लड़की जम गई क्या यश को? यश और यक्षिणी, क्या कॉम्बिनेशन है भाई। अबे अर्जुन छोड़ना यार, तुम नहीं समझते कि यक्षिणी कोई लड़की नहीं, देवी है जो शायद हमें सब कुछ दे सकती है। एक मिनट, तो तूने यक्षिणी को देखा है अपने सपने में? मतलब वो यक्षिणी जो यक्ष लोक में रहती है? यार यक्ष लोक का तो मुझे पता नहीं, पर यक्षिणी नाम बताया था उसने। वो सपने में उस तांत्रिक को उसने अपना नाम यक्षिणी बताया था। बहुत सही बेटा,
चल फिर मुझे बता दे कि यक्षिणियां कैसी होती हैं, कैसी दिखती हैं। अब तो मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है। अंकित अब तू तो मत शुरू हो जा यार। देख भाई, रात के 3 बजे हैं और ऐसी कहानियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तुझे तो पता है ना मुझे तंत्र मंत्र से रिलेटेड बुक्स कितनी पसंद है। तुम लोगों को सुनना है तो सुनो, वरना 13 सब्जेक्टिव कवर कर जाके। यार अंकित कल बताता हूं ना। नहीं, तुझे आज ही इन सब को खत्म करना होगा। मैं भी सुनता हूं तेरा ये स्टूपिड सपना। अर्जुन, अंकित और यश तीनों अर्जुन के कमरे में चले जाते हैं और यश उन्हें अपना पूरा सपना सुनाता है। अंकित के अंदर इस सपने को सुनकर उत्सुकता बहुत बढ़ जाती है। उसे लगता है कि उन्हें उस झील के पास जाना चाहिए। अर्जुन भी उनकी बातों से सहमत हो जाता है कि कल शाम को ही हम तीनों झील पर चलेंगे। अर्जुन यश के सपने को बस एक फैंटेसी कहता है और ये भी कहता है कि ऐसे सपनों को बस सपना ही समझना चाहिए, ना कि सच्चाई। इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। पर अंकित, जिसे तंत्र मंत्र में अच्छी खासी रुचि थी, वो कहता है कि इसमें सच्चाई भले ना हो पर यक्षिणियां सच में होती होंगी, क्योंकि उसने इनके बारे में कई आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ था। इस तरह की बातों में उनकी रात कब बीत गई उन्हें पता ही नहीं चला और सुबह के 5 बजे तीनों को नींद आ गई। वो तीनों अर्जुन के कमरे में ही सो गए। सुबह के 10 बजे का समय था और कोई जोर जोर से कमरे के गेट को खटखटा रहा था। गेट की आवाज से अर्जुन की नींद खुली तो उसने दीवार पर लगी घड़ी देखी, जिसमें 10 बजे हुए थे। अर्जुन जल्दी से उठा और गेट खोला तो देखा कि उनके हॉस्टल का वार्डन खड़ा हुआ था। लाल सिंह को देखकर अर्जुन थोड़ा डर गया। लाल सिंह काफी सख्त स्वभाव का था। अर्जुन बोला, वार्डन सर, आप कैसे? हॉस्टल का वार्डन लाल सिंह अर्जुन को घूर रहा था। अर्जुन जानता था कि लाल सिंह बड़ा कड़क और नियम कायदे का पक्का है। अर्जुन ने उसे देखते ही पूछा, लाल सिंह जी, आप कोई काम था क्या? कोई काम होगा तभी आऊं, ये जरूरी नहीं है। मैं वार्डन हूं इस कॉलेज का। यश दीक्षित कहां है? लाल सिंह ने गुस्से से कहा। यश से कोई काम है आपको? तुम चुप बैठो, यश दीक्षित कहां है बस ये बताओ। ये आवाजें सुनकर अंकित और यश की भी नींद खुल गई। दोनों हड़बड़ा कर खड़े हुए। यश को अपना नाम सुनाई दिया तो वो गेट पर आया। आप लाल सिंह जी यहां? यश दीक्षित, चलो मेरे साथ। अपने किए के लिए आज तुझे कोई नहीं बचा सकता प्रिंसिपल साहब से। लाल सिंह ने यश का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर खींच लिया। अंकित बोला, ये सब क्या हो रहा है? क्या किया है इसने? लाल सिंह बोला, अभी सब पता चल जाएगा। लाल सिंह यश को खींचते हुए प्रिंसिपल रूम की ओर ले जाने लगा। अंकित और अर्जुन भी पीछे पीछे दौड़े। अब तक बहुत सारे लड़के अपने कमरों से बाहर आ चुके थे। वो देखने आए थे कि यहां क्या तमाशा चल रहा था। प्रिंसिपल रूम के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। यश को लाल सिंह सीधा प्रिंसिपल के पास ले गया। प्रिंसिपल ने कहा, क्या हुआ लाल सिंह, इस लड़के को यहां क्यों लाए हो? लाल सिंह ने जवाब दिया, सर, ये लड़का रात भर अपने कमरे में पता नहीं क्या कर रहा था। बड़ा शोर शराबा हो रहा था इसके कमरे में। मैंने बहुत देर गेट खटखटाया पर इसने खोला ही नहीं, और धुआं भी उठ रहा था। प्रिंसिपल ने यश की ओर देखा और कुछ सोचकर बोले, बेटा, ये वार्डन क्या कह रहा है? तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? और शोर किस बात का हो रहा था वहां पर? बेटा, तुम्हें तो यहां के सारे रूल्स मालूम है ना? यश ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, सर, मैं तो कल रात अपने कमरे में था ही नहीं। मैं तो अर्जुन और अंकित के साथ था। चाहे तो आप इनसे पूछ लीजिए। अर्जुन बोला, सर, हम तीनों कल रात को पढ़ाई कर रहे थे तो मेरे रूम में ये दोनों भी थे। यश का कमरा तो बाहर से लॉक था। लाल सिंह बोला, चलिए मेरे साथ, मैं बताता हूं कि इसके कमरे में क्या चल रहा था। प्रिंसिपल, यश, अर्जुन और अंकित के साथ लाल सिंह यश के कमरे की ओर बढ़ चले। वहां पहुंचकर देखा तो दरवाजे पर ताला लगा था।
लाल सिंह ने यश से चाबी मांगी जो उसने तुरंत ही उसे थमा दी। ताला खोलने पर वो कमरा पूरा बिखरा हुआ था। यश हैरान था कि जब वो लॉक करके निकला तो कमरा बिल्कुल सही था, फिर अचानक ये सब किसने और कैसे किया? लाल सिंह और बाकी सब अंदर गए तो कमरा अस्त व्यस्त देख कर प्रिंसिपल बोले, यश ये सब क्या है? कितना डर्टी रूम है यार तुम्हारा, क्लीन दिस अप। लाल सिंह बोला, देखिए सर कैसे हालत की है लड़कों ने हॉस्टल की। यश ने कहा, सर मैंने सच में ये सब नहीं किया है, मैं तो कमरे में आया ही नहीं रात भर, रूम तो बंद था, फिर किसने ये सब किया? प्रिंसिपल ने लाल सिंह को कहा कि ये तमाशा खत्म करो और यश, अर्जुन और अंकित से कहा कि वो तुरंत ही कॉलेज ज्वाइन करें। लाल सिंह चुपचाप उन तीनों को घूरता हुआ वहां से चला गया। इधर यश अब काफी परेशान हो गया था कि उसके साथ आखिर ये अजीब चीजें क्या हो रही थीं। उसने अर्जुन और अंकित को बताया कि वो नहीं जानता कि किसने और क्यों इसके कमरे का यह हाल किया है। अर्जुन उसे थोड़ा दिमाग ठंडा रखने को कहता है और ये भी कि वो दोनों शाम को उसके कमरे को ठीक ठाक कर देंगे, अभी उन्हें तुरंत कॉलेज पहुंचना चाहिए। तीनों जल्दी से तैयार होकर कॉलेज पहुंच गए। दिन भर की भाग दौड़ और लेक्चर्स खत्म करके अंकित और यश अर्जुन से झील के किनारे चलने के लिए कहते हैं। अर्जुन भी इसके लिए तुरंत तैयार हो गया। अंकित के स्कूटर पर तीनों बैठकर उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं जो शहर और कॉलेज को जोड़ता था। वो रास्ता बस 3 किलोमीटर का ही था पर काफी वीरान रहता था। IIT कॉलेज कस्बे से कुछ दूर एकांत में था। सूर्य अस्तांचल की ओर बढ़ता हुआ अपनी लालिमा बिखेर कर जाने को था। हल्की हल्की ठंड हवा को और भी ठंडा बना रही थी। तीनों को ये मौसम बड़ा अच्छा लग रहा था। आज थोड़ा कोहरा भी था। पूरे रास्ते के किनारे जंगल का घना फैलाव था। कभी किसी समय में ये जंगल बंगाल के सबसे घने जंगलों में से एक था। स्कूटर को अंकित चला रहा था। वो यश से पूछने लगा कि कहीं स्कूटर को पार्क करने की जगह है भी या नहीं। यश ने कहा कि झील बस आने ही वाली है, फिर स्कूटर रोक देंगे और कहीं कोने में लगा देंगे। अंकित ने झील आते ही स्कूटर रोका। वहां से झील दिखाई नहीं देती थी, बल्कि वहां से लगभग 200 मीटर उन्हें पैदल चलकर जाना होता था। स्कूटर को एक कोने में लगाकर तीनों उतरे और यश की बताई हुई दिशा में जाने लगे। कुछ ही मिनटों में तीनों को वो खूबसूरत झील दिखाई देने लगी थी। अंकित बोला, वाह यश, बड़ी मस्त जगह है यार ये तो, पहले कभी क्यों नहीं आए हम यहां पर, आई रिग्रेट इट यार। अर्जुन भी उस सुंदर झील के खूबसूरत दृश्यों में खो गया था। वो घूम घूम कर देखने लगा कि झील कहां तक फैली है। अर्जुन बोला, इट्स रियली ब्यूटिफुल यार। यश हैरान सा यहां वहां जैसे कुछ ढूंढ रहा था। अंकित ने उसे आवाज दी, यश अपनी यक्षिणी को ढूंढ रहा है क्या? ये कहकर दोनों हंसने लगे, पर तभी वहां पर जोरदार आंधी सी आने लगी। बिजली कड़कने लगी, सूखे पत्ते बेतरतीब ढंग से उड़ने लगे। मौसम ने ऐसी करवट ली कि उन्हें उस धूल और पत्तों में एक दूसरे के चेहरे भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। वापस लौटने के रास्ते को तो देखना भी मुश्किल था। तभी यश के कानों में एक अलग आवाज आई, किसे ढूंढ रहे हो यश? यश तो जैसे विस्मय में पड़ गया था कि ये एक औरत की आवाज है और वो मेरा नाम कैसे जानती है। उसने अंकित और अर्जुन से कहा, देखो सुनो तुम लोग यार, कोई औरत मुझे पुकार रही है। अर्जुन और अंकित हैरान थे क्योंकि उन्हें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। तीनों एक दूसरे को इस भयंकर आंधी में देख भी नहीं पा रहे थे, पर आवाज तो उन्हें सुनाई देती। यश से अर्जुन बोला, यार अभी मजाक का टाइम नहीं है, चलो जल्दी यहां से, अंधेरा बढ़ रहा है। अंकित ने कहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अचानक ऐसा मौसम कैसे बन जाता है यार। अर्जुन यश अपने हाथ लाओ, हम तीनों को एक साथ ही यहां से बाहर निकलना होगा।
अर्जुन ने उस आंधी में अंदाजे से यश और फिर यश ने अंकित का हाथ पकड़ा। तीनों को लगा कि अब वहां से निकल जाना चाहिए। वो लोग उल्टे पैर वहां से दौड़ने लगे। यश को फिर से एक आवाज सुनाई दी, यश कहां जा रहे हो? अभी आए और अभी चल दिए, जरा रुको तो। यश ने फिर कहा, सुनो। वो औरत फिर से बोली। अंकित ने कहा, अबे पागल मत बन यश, कोई नहीं बोल रहा है, तेरे कान बज रहे हैं और कुछ नहीं, चल यहां से। वो दोनों उसे खींच कर रोड के एकदम पास ले आए। यश घबरा गया था कि आवाज उन दोनों को सुनाई क्यों नहीं देती। रोड पर पहुंचने पर उनके अचंभे का ठिकाना नहीं रहा। मौसम एकदम साफ हो चुका था। अर्जुन बोला, ये क्या अजीब जगह है यार, ये था क्या, मौसम अचानक एकदम सही कैसे हो गया? यश बोला, यार तुम दोनों मेरा बिलीव करो, एक औरत मुझे बुला रही थी, पर उसकी आवाज पता नहीं तुम लोगों को क्यों नहीं सुनाई दे रही। यकीन करो ना करो, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मेरे सपने से जरूर है। ये झील ऐसा ही अजीब माहौल था उस सपने में। अर्जुन और अंकित उसे देखते रहे। अर्जुन को यश की बातों पर अब थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था। झील पर महसूस किए हुए अनुभव से अर्जुन, अंकित और यश तीनों हैरान थे। अर्जुन को साइंस के इस जमाने में इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, पर आज के विस्मय भरे उस झील के इलाके में हुए मौसम के बदलाव से अर्जुन खुद भी बहुत हैरान था। उसे यकीन ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। अब तक अंधेरा बढ़ चला था। तीनों हांफते हुए जैसे ही सड़क को क्रॉस करके अपने स्कूटर के पास जा रहे थे, तभी एक कुर्ता पैजामा पहना हुआ व्यक्ति उन्हें आश्चर्य से देखने लगा। वो व्यक्ति उनके पास आने के लिए आगे बढ़ा। अर्जुन उसे देखकर थोड़ा घबराया कि यह आखिर कौन आदमी है और हमारा पीछा क्यों कर रहा है। अंकित और यश ने भी उस व्यक्ति को देखा और एक दूसरे की ओर देखने लगे। वो आदमी अब उनके एकदम पास आ चुका था। उसके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं और ललाट पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ था। वो बोला, सुनो मेरी बात सुनो, तुम लोग जहां गए थे ना, वो जगह बहुत खतरनाक है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं इस गुत्थी को सुलझाने में कि तुम्हें इस तरह का अनुभव क्यों हुआ था, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी और दोबारा इस जगह पर मेरी इजाजत के बगैर आने की कोशिश भी मत करना। अर्जुन बोला, आप कौन हैं और ये सब बातें हमसे क्यों कर रहे हैं, प्लीज आप हमें जाने दीजिए, हमें हॉस्टल जाना है। अंकित ने जल्दी से स्कूटर चालू किया और तीनों दोस्त उस पर बैठकर निकल गए। वो आदमी उन्हें देखता रह गया, पर फिर भी उसने अंकित की स्कूटर का नंबर नोट कर लिया था। कॉलेज का नाम सुनकर वो जान गया था कि ये बच्चे IIT खड़गपुर के हॉस्टल में रहते हैं। अंकित स्कूटर को इतनी तेजी से हॉस्टल पहुंचाता है कि 5 मिनट के अंदर ही वो तीनों अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वो जल्दी से स्कूटर को पार्किंग में लगाकर तेज कदमों से अर्जुन के कमरे में चले जाते हैं। अंदर पहुंचते ही तीनों ने दरवाजा बंद कर लिया। यश ने कहा, यार वो आदमी कौन था और हमारे साथ ये सब जो हुआ उसके बारे में जानता कैसे था, बड़ा मिस्टीरियस आइटम था यार। अंकित बोला, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये सब कुछ हुआ क्यों और कैसे। यार मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, वहां पर पहले तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक वो तूफान सा आया, पत्तियां उड़ने लगी और हमें दिखना बंद हो गया। अर्जुन ने कहा, सच में यार 3 साल हो गए और इतना स्ट्रेंज इस रूट पर पहले मैंने कभी फील नहीं किया, और वो सफेद कुर्ते वाला बंदा भी बड़ा अजीब था। यश ने कहा, यार मुझे लगता है हमें उसकी बात सुननी चाहिए थी, हो सकता है वो कुछ काम की बात कह रहा हो सकता है वो जानता हो कि इस झील की मिस्ट्री क्या है। वो तीनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनका दरवाजा खटखटाया गया। अंकित ने जैसे ही दरवाजा खोला तो एक लड़का बाहर खड़ा हुआ था। वो अंकित को देखकर बोला कि डिनर का टाइम हो चुका है और वार्डन ने तुम तीनों को बुलाने के लिए उसे भेजा है।
अंकित समझ गया कि लाल सिंह अब उन्हें हर छोटी बड़ी बात के लिए परेशान करेगा। अपने रूम को लॉक करके तीनों मेस की तरफ बढ़ गए। यश डरते हुए कह रहा था कि वार्डन हमें बहुत डांटेगा क्योंकि हम डिनर के लिए काफी लेट हो गए थे, पर मैस में पहुंचने पर तो नजारा ही कुछ और था। उनके पहुंचते ही लाल सिंह ने कहा, अरे आ गए तुम तीनों, बैठो बच्चों बैठो, खाना ठंडा हो जाएगा। उसने अर्जुन के आगे कुर्सी खिसका दी। तीनों उसके इस बर्ताव से भौचक के रह गए कि इसे क्या हुआ, हमेशा तो ये लेट होने पर डांटता है और आज खुद खाना परोस रहा है। डरते डरते तीनों ने खाना खाया और जाने लगे। पीछे से वार्डन बोला, तुम पर मेरी नजर है हर समय हर जगह, समझ गए? वो तीनों हैरान परेशान कमरे में लौट आए। फिर अर्जुन बोला कि टेंशन की कोई बात नहीं है, हमें बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है। अंकित और यश गुड नाइट बोलकर अपने अपने कमरों में चले गए। अर्जुन भी बिस्तर पर लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में वही झील, तेज हवाएं, उड़ते हुए पत्ते और वो सफेद कुर्ते वाला आदमी, बस यही सब घूम रहा था। और यश की बातें तो पहले से ही अजीब थीं। अर्जुन सोच रहा था कि उस दिन यश को कौन सी औरत की आवाज आई थी, यक्षिणी। उसके बारे में अंकित ने उन्हें एक बार बताया था कि वो सच में होती है। उसने सोचा कि चलो इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च किया जाए। उसने गूगल पर यक्षिणी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए टाइप किया और देखते ही देखते कई सारे पेजेस उसके सामने खुल गए। अर्जुन को पहली बार अपनी साइंस और पढ़ाई लिखाई के अलावा किसी और टॉपिक में दिलचस्पी हुई थी। वो पढ़ता गया और बिल्कुल रुका नहीं। उसे ये भी पता चला कि ये सच में होती हैं और यक्षिणी साधना करने से इनको सिद्ध भी किया जा सकता है, यहां तक कि उनसे मिला भी जा सकता है। जिस भी व्यक्ति को जो भी चाहिए यक्षिणियां उसे वो सब कुछ दे सकती हैं। अर्जुन सोच रहा था कि यश का सपना सच था या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस झील के आसपास कुछ तो ऐसा रहस्यमय जरूर है जिसकी वजह से उनके साथ वो घटनाएं हुई। उसके मन में सवाल उठा कि कहीं झील के किनारे यक्षिणी तो नहीं रहती, शायद तभी यश बार बार किसी औरत की आवाज सुनाई देने की बात कर रहा था। पर वो औरत उसे या अंकित को क्यों नहीं पुकारती, आखिर ये सब यश को ही क्यों सुनाई देता है। ये सब पढ़ते पढ़ते अर्जुन और भी गहराई में चला गया। वो पढ़ने लगा कि यक्षिणी साधना कैसे की जाती है और इसके फायदे नुकसान क्या क्या हैं। उसके मन में उस सफेद कुर्ते पायजामे वाले आदमी की छवि बार बार आती है। वो सोच रहा था कि वो कौन था और उस सुनसान इलाके में वो बिना किसी काम के क्यों टहल रहा था, और उन तीनों को क्या महसूस हुआ, उसे वो जानता कैसे था। ये सब सोच सोच कर अर्जुन का दिमाग खराब हो गया था। उसने उस वक्त सो जाना ही उचित समझा। थकान के कारण तुरंत उसकी आंख लग गई और वो एक सपने में कहीं खो गया। रात के काले अंधेरे में अर्जुन एक सुनसान सी पहाड़ी पर बैठा हुआ था। उसके सामने तरह तरह की मोतियों की मालाएं रखी हुई थीं और एक बड़ी सी थाल में साड़ियों का ढेर लगा हुआ था। एक थाल में सिंदूर, मेहंदी, कुमकुम, चूड़ियां, काजल और 16 श्रृंगार की सामग्री भी रखी थी, और सामने हवन कुंड था। एक आसन पर बैठे हुए अर्जुन की आंखें बंद थीं और वो ध्यान मग्न होकर कुछ विशेष प्रकार के मंत्रों का जाप कर रहा था। फिर धीरे धीरे पूनम का चांद ऊपर आसमान में चढ़ने लगता है और देखते ही देखते अपनी दैदीप्यमान चमक से पूरे आभामंडल को रोशन कर देता है। अर्जुन की आंखें अब भी बंद थीं। कुछ देर बाद पायलों की छनक से उसका ध्यान जरा भटका। वातावरण में तेज इत्र की खुशबू महकने लगी। एक हल्की गुलाबी सी ओढ़नी उड़ते हुए हवाओं की खुशबू को खुद में समेटे हुए अर्जुन की दिशा में पड़ रही थी, पर अचानक ही तेज बिजलियां कड़कने लगी और बादलों की गर्जना होने लगी।
पर फिर भी अर्जुन ने अपनी साधना नहीं छोड़ी। तभी उसे भयंकर अट्टहास की ध्वनि सुनाई दी। एक विकराल रूप वाली औरत अर्जुन के पास बैठी थी, उसके पास बने आसन पर अर्जुन अपनी आंखें नहीं खोलता। उसकी बंद आंखों के बावजूद भी वो औरत उसे डराने के लिए तरह तरह के भ्रमजाल रचती है, पर अपनी साधना में लीन अर्जुन अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के कारण अपने ध्यान में बस मग्न था। इतने प्रयासों के बाद भी अर्जुन की अटलता देखकर वो महिला अपने रूप को बदल लेती है और एक सौम्य सी सुंदरता की प्रतिमूर्ति बन जाती है। वहां का माहौल फिर से मधुरम बन जाता है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, समस्त दिशाओं में खुशबू बिखर जाती है, पर अर्जुन की साधना अब भी अनवरत जारी थी। उसके कानों में एक आवाज पड़ी, एकदम मिश्री सी मीठी। तुम्हारी साधना और प्रबल इच्छा शक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं कनकावती यक्षिणी तुम्हें इच्छित वर प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्रदान करती हूं। और अर्जुन अपनी आंखें जैसे ही खोलता है कि एक मच्छर उसके गाल पर काटता है और उसका वो दिव्य और अद्भुत सपना समाप्त हो जाता है। अर्जुन हक्का बक्का होकर अपने आसपास देखता है, परंतु अपनी किताबों और कमरे की चार दीवारी के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो अपनी आंखें मलने लगता है और बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है। अपने कमरे से बाहर निकलकर उसने पूरे कॉरिडोर में नजर दौड़ाई, पर वहां कुछ नहीं था। दरवाजा बंद करके वो अपने बिस्तर पर वापस बैठता है और अपना सर पकड़ लेता है कि यह सब क्या था, यह किस तरह का सपना था, और यक्षिणी साधना ये मैं कैसे कर सकता हूं। इम्पॉसिबल, दिस इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। उसने घड़ी देखी तो उसमें सुबह के 5 बजे हुए थे। अर्जुन दोबारा सोने की कोशिश करता है, पर उसकी आंखों से नींद मीलों दूर थी। वो अपना लैपटॉप खोलकर कुछ और टॉपिक्स पढ़ने लगता है, पर बार बार उसका ध्यान लैपटॉप के ऊपर सर्च आइकन में लिखे यक्षिणी के आर्टिकल्स पर ही जा रहा था। अर्जुन फिर से यक्षिणियों के विषय में और अधिक जानने को उत्सुक हो उठता है और दोबारा से उन्हीं आर्टिकल्स और पेजेस को खोल लेता है। वहां लिखा था, पहले चांद्रायण व्रत किया जाता है। इस व्रत में प्रतिपदा को 1 कौर भोजन, दूज को 2 कौर, और इस प्रकार 1-1 कौर भोजन पूर्णिमा तक करके पूर्णिमा के बाद 1-1 कौर कम करते हुए व्रत किया जाता है। इस व्रत में 1 कौर भोजन के अलावा कुछ नहीं लिया जाता। इससे कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। उसके पश्चात 16 रुद्राभिषेक किए जाते हैं, साथ में महामृत्युंजय 51,000 बार तथा कुबेर यंत्र 51,000 कर भगवान भूतनाथ शिव जी से आज्ञा ली जाती है। अर्जुन खुद से बातें कर रहा था, ये तो यक्षिणी साधना करने की विधि है। सही, वेरी इंटरेस्टिंग। और क्या क्या लिखा हुआ है? तो यक्षिणियां 8 टाइप्स की होती हैं और सभी अलग अलग वर देती हैं। इन्हें सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन साधना करना जरा मुश्किल है। खैर, ऐसा कोई काम नहीं जो अर्जुन अग्रवाल कर ना सके। पर मुझे तो ये साधना करनी नहीं है यार, मैं अपने सब्जेक्ट्स पर ध्यान देता हूं। ये कहकर अर्जुन ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। क्या अर्जुन अनजाने में एक अलौकिक शक्ति की ओर खींचा जा रहा था?